पाकिस्तान 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 लीबिया मोरक्को ख्वाबों के बोझ में डूबे पाकिस्तानी यूनान के साहिल पर हालिया हादसा पाकिस्तान की तारीख का पहला हादसा नहीं है। अगर अब भी मुल्क के सरकर्दा इदारों ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदाम ना किए तो यह हादसा आखिरी हो भी नहीं सकता। To continue my work again in Italy. I want to go and learn how to sew again better than the one I am before. That is why I left Nigeria. यूरोप जाना कोई इतना आसान नहीं। बर्फा वेख रहे पईयां गोडे गोडे बर्फ है जनाब आ वेखो ए आ विच मैं चला गया। इब्तदाई तलात के मुताबिक इटली जाने की कोशिश में यूनान के साहिल पर डूबने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब और पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर के मखसूस इजला से है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको बाई रोड लेकर जाएंगे लेकिन वो ये है कि आपको डिग्गियों में भी बंद किया जाता है ठीक है। उसके बाद आप एक गाड़ी में 17-18 लड़के बिठाए जाते हैं जहाँ पर हम लोग पाँव रखते हैं वहाँ पर भी बंदा बिठाते हैं और उसके बाद खाने के लिए वही आपको मैंने बताया सूखे नान और गंदा पानी और बहुत बुरा खाना वो देते हैं। रिजक ऐसे बोलना नहीं चाहिए और जो रास्ता होता है वो पहाड़ होते हैं पैदल चलना पड़ता है। बहुत से लोग वहाँ पे मर भी जाते हैं मरते भी हैं काफ़ी न्यूज़ भी आती हैं और बहुत से लोग आपको वहाँ पर अगवा भी कर लेते हैं बहुत से लोग आपको वहीं पर लूट भी लेते हैं आपके पास कुछ बचता नहीं है खाने पीने के लिए। ये ग्रीस वालों की चौकी है ऊपर ये और साथ उनका झंडा यूनान का ग्रीस का ये है जी ये ऊपर चौकी है। वो देखें आप फैमिलीज ग्रीस वालों ने वापस फिर तुर्की में भेजी हैं वो फैमिलीज हैं साथ उनके लेडीज़ हैं साथ गाड़ियाँ भी कटी हैं। हम लोगों ने ऐसे ही समझे कि यहाँ पर बैठ के 10 दफ़ा ट्राई कर ली है लेकिन कोई अब हमारा शाम हो गई है बिल्कुल अब यही प्रोग्राम है कहीं बोल चले। कोटली शेखुपुरा फैसलाबाद ऐसे इलाके जहां पर एक माकूल तादाद में अफराद बैरून मुल्क मुकीम हैं और अरसा दराज से वहां पर बेहतर तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं। वो बेचारा वहीं पर बैठ गया लेट गया और उसके जो गांव के लड़के थे उसको उठाते रहे लेकिन वो नहीं उठा फिर डंकर ने बोला कि भैया आप चलो इसको यहीं पर रहने दो। तो मुझे उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है अब उसका आप इंतज़ार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो आप जाओ। इससे देहात में मौजूद बेरोजगार नौजवानों में भी विलायत जाकर अमीर होने का जज्बा पैदा होता है। हुनर से आ रही ऐसे नौजवान फिर अपने खानदान की जमा पूंजी बेचकर भी अपने ख्वाब की तकमील पर तैयार हो जाता है और एक बेहुनर और अनपढ़ नौजवान को ये बात कौन समझाए कि मगरबी ममालिक में इस जैसे नौजवान की मांग मौजूद ही नहीं है। वो जैसे तैसे वहां पहुंच भी गया तो इसके दिन कभी नहीं फिरेंगे बल्कि वो खुद घन चक्कर बना रहेगा। लेकिन उनकी सादगी और अपने ख्वाब को पा लेने की लगन इंसानी स्मगलरों के लिए पैसे बनाने का वसीला बन जाती है। Last night I don't have any option. I don't want to come. I want to come here for talk to survivors, but they don't allow me. We are very इब्तदाई तलात के मुताबिक इटली जाने की कोशिश में यूनान के साहिल पर डूबने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब और पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर के मखसूस इजला से है। इस बात की भी तस्दीक हुई है कि इस हादसे का शिकार होने वाले अफराद की अक्सरियत
बेहुनर थी, यानी कि उन्हें कोई तकनीकी काम आता ही नहीं था। अगर वो इटली पहुंच भी जाते तो वहां के कानून के मुताबिक एक गैर कानूनी तारीख वतन को मजदूरी बल्कि बार बर्दारी की जो मुलाजमत मिलती है उसमें उन्हें अपने हालात बेहतर करने में कई दहाइयां सर्फ करनी पड़ती। बीबीसी उर्दू ने जुलाई 2018 में खारियां की वीरान हवेलियां के उनवान से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। 45 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में खारियां के नवाही देहातों में बनी ऐसी हवेलियों को फिल्माया गया जिनके मुकीम बैरूने मुल्क गए और अब उनके दिन फिर चुके हैं। FIA बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की सरहदों से गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने और भिजवाए जाने वालों को कानून के शिकंजे में लाएं, लेकिन सिर्फ रोकथाम से काम नहीं चलेगा। उनका देखा देखी उनकी हालत बेहतर हुई तो लोगों ने इस अपने बाहर जाने का शुरू कर दिया। जो लोग बाहर जाते हैं एक तो वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उसमें ज़्यादा गप भी बहुत होती है, और जो भी वहाँ जाता है वो सबसे पहले एक काम करता है कि पीछे घर अच्छा बनाता है, गाड़ी पीछे लगा देता है। वो लोग समझते हैं कि अच्छा इनकी हालत बेहतर होगी, हम भी जाएंगे हमारे दिन। दूसरा जो जाते हैं तो वो भी अपने दोस्तों अहबाब को एडवेंचरिज्म बताते हैं कि हम इस तरह गए थे, हम ऐसे कामयाब हो गए। बल्कि इसकी मुकम्मल बेखनी उस वक्त मुमकिन है जब मुल्क का हर नौजवान बाइज्जत रोजगार का हकदार ठहरे। हुकूमत को नौजवानों के लिए फनी महारत का हसूल भी आसान बनाना होगा। पेरेंट्स को पता भी नहीं होता और उनके बच्चे खुद ही दोस्तों के थ्रू उनको ल्यूर किया जाता है और दोस्त इस्तेमाल करके उनको यहाँ से लेके गए, पैसे भी अरेंज कर लिए या बच्चों ने चोरी कर लिए और ले गए। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके धोने वाला क्या है। फिर जो स्मगलर्स हैं ये भी सारे ख्वाब खाएंगे कि हम आपको ऐसे पहुँचा देंगे। चार दिहाड़े लगातार फोन आता रहा, तो पंजे दिन एक्सीडेंट होया, फिर फोन नहीं आया। बस मैं पढ़ती रहती सी, मैनू अल्लाह पाक मिलाएगा, मैं अल्लाह दे वाले किता, अल्लाह पाक मेरे बच्चे नू मिलाए, आखिर वाली मिलाओ बस आया गुस्सा लिया कफन। उसके साथ वजारत खारजा को भी ऐसे इलाके जहां से इंसानी स्मगलिंग के बेतहाशा वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं वहां पर आगाही मुहिम चलानी चाहिए। अताशियों, सफीरों और सिफारतकारों की बेजा अयाशियों में से कुछ बजट मुख्तसर के अगर चंद जाने बचाई जा सकें तो कोई महंगा सौदा नहीं है। मगर आज भी उस हादसे के गुजर जाने के बाद भी लोग उसी तादाद में बाहर जाने की कोशिशें कर भी रहे हैं और अपनी जानें गंवा भी रहे हैं।